मॉर्निंग वंदेमातरम फ्रेंड्स, लेट्स मूव विद द सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ये थोड़े से इजी सम्स है. सो इफ मोड जेड लेस ऑर इक्वल टू टू, देन मैक्सिमम जेड माइनस टू. गाइज, यहाँ पे अगर आपको एक चीज पता है कि मोड एक्स लेस ऑर इक्वल टू ए, फॉर रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ, फॉर मोड एक्स लेस ऑर इक्वल टू ए, वी नो वेरी वेल माइनस ए लेस ऑर इक्वल टू एक्स लेस ऑर इक्वल टू ए. तो ये हमें रियल नंबर के लिए पता है. अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसी का यूज कर सकते हैं. सो यही क्राइटेरिया मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, माइनस टू लेस ऑर इक्वल टू जेड लेस ऑर इक्वल टू टू. सो अगर मुझे माइनस टू चाहिए, सो आई हैव टू एड माइनस टू ऑन ऑल थ्री साइड्स. सो यहाँ पे माइनस फोर लेस ऑर इक्वल टू जेड माइनस टू लेस ऑर इक्वल टू जीरो. गाइज, अब जो नेक्स्ट थिंग है ना, बहुत ही ध्यान रखना है, बिकॉज हियर इट इज मॉड्यूलस. ओके, तो इसको अगर हम सोचें, सो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू माइनस फोर, लाइज बिटवीन जीरो टू माइनस फोर. ओके, जब मैं मॉड्यूलस ले रही हूँ, फिर से कॉन्सेप्ट में नंबर लाइन का, रियल नंबर्स का यूज कर रही हूँ, जब आई एम टेकिंग मॉड्यूलस, तो दैट वैल्यूज कन्वर्ट इन पॉजिटिव्स. ओके, सो यहाँ पे भी जब मैं मॉड्यूलस लूंगी, योर वैल्यूज कन्वर्ट इन टू पॉजिटिव. सो मॉड्यूलस की वैल्यू आपको मिलेगी बिटवीन जीरो टू फोर. सो योर मैक्सिमम वैल्यू इज फोर, एंड इफ दे आस्क यू अ मिनिमम वैल्यू, देन योर आंसर इज जीरो. अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम हर बार जीरो आता है, जीरो तो आएगा ही. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम इट कैन बी, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है. जब यही पे आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है, सपोज आंसर मुझे फोर माइनस फोर के बदले फोर टू एट में मिला, सो ये पॉजिटिव नंबर्स ही है. सो जब मैं मॉड्यूलस लूँगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज. यहाँ पे मॉड्यूलस लेने के बाद भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव. ओके, सो देन योर मैक्सिमम नंबर इज एट एंड मिनिमम नंबर इज फोर. ओके, सो इट इज इजी टू कन्वर्ट इन पॉजिटिव. जेड प्लस थ्री लेस ऑर इक्वल टू एट इज गिवन. देन वॉट इज द अगेन मैक्सिमम वैल्यू, जेड माइनस टू इज इक्वल टू डैश. ओके, अगेन आई एम यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, माइनस एट लेस ऑर इक्वल टू जेड प्लस थ्री लेस ऑर इक्वल टू एट. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन टू जेड, देन आफ्टर डू माइनस टू. अगर आपको डायरेक्ट यू आर कंफर्टेबल, यू कैन डू माइनस फाइव, यू कैन डू माइनस फाइव. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री लेस देन जेड लेस देन एट माइनस थ्री. सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इलेवन लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू फाइव. अब मुझे करना है माइनस टू, सो दिस विल बी माइनस थर्टी जेड माइनस टू एंड फाइव माइनस टू दैट इज थ्री. मैंने क्या किया, पहले जो प्लस थ्री था ना, सो कन्वर्ट कर दिया. आपको अगर नहीं कुछ पता चल रहा है, तो बस इतना करो कि सपोज यहाँ पे ऐसा है जेड प्लस थ्री, सो वॉट आई कैन डू, ये जो थ्री है साइड चेंज करके जाएगा सामने, दैट विल बी माइनस इलेवन. ओके, सो वही चीज़ है यहाँ पे, सिर्फ आपका इनइक्वालिटीज है. ओके, इनइक्वालिटीज है, लेकिन जो आपके नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट आर नॉट गोइंग टू बी चेंज. यहाँ पे सेम मैंने क्या किया है, अब मुझे जेड नहीं चाहिए, आई वॉन्ट जेड माइनस टू. वॉट आई वॉन्ट जेड माइनस टू. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस टू. सो माइनस थर्टीन जेड माइनस टू लेस ऑर इक्वल टू फाइव माइनस टू दैट विल बी टू. ओके, सो अब कन्वर्ट करेंगे. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, माइनस थर्टीन से थ्री के बीच में वैल्यूज आता है. ओके, सो ये सारी जो वैल्यूज है अप टू जीरो, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है. जब मैं मॉड्यूलस लूंगी, दैट विल बी कन्वर्ट इन टू पॉजिटिव. कहाँ तक जाएगा, थर्टीन तक. तो माइनस थर्टीन से जीरो तक की नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इन पॉजिटिव जीरो टू थर्टी. समझ में आ रहा है, माइनस थर्टीन से जीरो तक की जो भी नेगेटिव, जीरो से थ्री के बीच में तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज है, उसको तो कुछ चेंज नहीं करेंगे. बट
the values between minus 13 to 0, that is negative, jo modulus ke baad, if I am taking modulus, that will be convert into 0 to 13. So, main modulus lungi, so values are between 0 to 13. Okay? So, that is your answer. And you want maximum value, so 13 is your answer. Okay. Move to the next one. If equation z square minus 2z plus k equal to 0, this is given to us, has one root, z is equal to 1 plus I. Root is given, then what is the value of k? Okay, you can do two things here. Put the value here in place of z as you do always. यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए ये वाला तो आप कर ही सकते हो, 1 प्लस आई यहाँ पे पुट कर दो, यू कैन डू. अदरवाइज z इज इक्वल टू 1 प्लस आई इज योर रूट, सो मैं कन्वर्ट कर दूँ, z माइनस 1 इज इक्वल टू i. यहाँ पे मैं कर रही हूँ z माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज i स्क्वायर, सो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, सो चेंज द साइड, देखिए प्लस वन प्लस वन दैट इज प्लस टू, कंपेयर नाउ, बोलिए योर के इज इक्वल टू, योर के इज इक्वल टू टू. सो क्वाइट इजी सम, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इजी. अगर आपको टिंग होता है ना ऑन द रियल टाइम, परफेक्ट टाइम पे अगर आपको टिंग होता है ना, गॉट एन आइडिया सर जी, तभी यू कैन डू. ओके, x square minus 3 minus i x minus 3i equal to 0 has one solution in C, one solution dash in C. Solutions are given 1 by i minus i, so plus i, C minus 3 and D 2. Okay, which one is the solution of the equation? Yes, you can do कि x के place पे solutions put करके one by one check करो, जिसमें 0 आएगा that is your answer, जब भी 0 आएगा that is your answer. Okay, तो वैसे भी कर सकते हैं, otherwise यहाँ पे अगर equation आप ध्यान से देखोगे, so मैं just separate कर रही हूँ, x square minus 3x plus ix minus 3i equal to 0. ये quadratic equation में देखे, मैं x common निकाल रही हूँ यहाँ से, and if I am common out i from here, देखिए two factors are there of x, so x equal to 3, but यहाँ पे आपको minus 3 given है, so your option is x equal to i, but i is not given, okay, i is not given, यहाँ पर plus आएगा, yes. So minus i is also not given. So यहाँ पे minus i का inverse क्या होता है? Minus i का inverse होता है one upon i. I का inverse minus i and minus i का inverse i. Okay. So यहाँ पे we have minus i. So you can write it as a inverse one upon i. Okay. So this is your answer. अगर suppose यहाँ पे minus i given होता, so that will be your answer. Okay. चलो. Let's move. If z1, z2 and z3, z4 are conjugate of each other, then argument z1 by z3, is it so? No, z1 by z4 plus argument z2 by z3 is equal to what? That we have to find. Guys, this is 2014 question. Ask in 2014. Okay. Options are A, 0, B, pi by 2, C, 3 pi by 2 and D, 2 pi. Okay. So, z1 and z2 are conjugate. z1, z2 conjugate means more z1 is equal to more z2. Okay, z3 and z4,
सेम कॉन्जुगेट, सो मोर जेड थ्री इज इक्वल टू मोर जेड फोर, ये भी होगा. एंड प्लस अगर आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे किसका डिस्कशन है, दिस इज अबाउट आर्ग्यूमेंट. सो जब भी आर्ग्यूमेंट की बात करें ना, तो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू थीटा है, तो कॉन्जुगेट का क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मैं अल्फा बीटा यूज कर रही हूँ, टू थिंग्स आर देयर, सो जेड टू का हो जाएगा माइनस अल्फा. अगर ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज माइनस अल्फा. क्यों भाई ऐसा, आपको याद है मिरर इमेज. तो क्या करेंगे, एक है अल्फा एंड दूसरा है माइनस अल्फा. सो ये अगर आपका z1 है एंड ये हो जाएगा z2. यस, कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर. सो सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज माइनस थीटा. लास्ट टाइम जो वीडियो आपने देखा होगा प्रीवियस, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बात करें, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 इज इक्वल टू सपोज बीटा है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 हो जाएगा माइनस बीटा. ओके, नाउ हमें जो इक्वेशन गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z4 माइनस प्लस आर्ग्यूमेंट, माइनस है प्लस है, ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z3. सो जो प्रॉपर्टीज हम लॉग में यूज करते हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी यूज होती है. लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन में है, सो यू कैन सेपरेट बाय आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z3. ओके, यहाँ पे डिवीजन में है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z4 प्लस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z2 माइनस आर्ग्यूमेंट z3. ओके, चलो इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेती हूँ, दैट वैल्यूज वी हैव, अदरवाइज सिर्फ वैल्यूज है हमारे पास, सो जस्ट पुट द वैल्यूज. ये z4 है, सो दैट इज माइनस बीटा. ओके, दिस इज योर z4. ओके, इससे पहले आई हैव टू कंबाइन, यस, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 एंड प्लस आर्ग्यूमेंट, सॉरी दोनों माइनस है, आर्ग्यूमेंट z4 आर्ग्यूमेंट z3. ओके, अब ये दोनों एडिशन में है, सो आई कैन कॉमन, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन में है, सो आई कैन कॉमन. ओके, सो मोड z1 स्क्वायर एंड माइनस मोड z3 स्क्वायर. सो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट वी आर नॉट गोइंग टू यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं, वी गेट इट, कॉन्स्टेंट. यहाँ पे अगर आप रख दोगे वैल्यू, दिस इज अल्फा दिस इज माइनस अल्फा, ओके दे आर गोइंग टू बी कट, यहाँ पे भी यस डायरेक्टली भी मिल सकता है, नो नीड टू डू दिस. दिस इज योर अल्फा, दिस इज माइनस बीटा, प्लस दिस इज माइनस अल्फा एंड आर्ग्यूमेंट जेड थ्री दैट इज बीटा. ओके, सो अल्फा एंड माइनस अल्फा दे आर गोइंग टू बी कट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बीटा एंड माइनस बीटा, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी कट, सो योर आंसर इज जीरो, नो नीड टू डू दिस. ओके, जरूरत ही नहीं है, यू कैन यूज दिस रेशियो बट नो नीड टू डू दिस. ओके, चलिए सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. For any complex number z, minimum value of number, I think 5. For any complex number z, minimum value of z plus 1, z minus 1, what will be the value? ये competitive exam के लिए आपको helpful रहेगा. यहाँ पे आई एम टेकिंग वन, वन को मैं लिख सकती हूँ वन माइनस जेड प्लस जेड, मैंने जेड ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया देन आफ्टर आई ऐड यूजिंग दिस ओनली, ओके टू गेटिंग दिस ओनली. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग मोर ऑन बोथ साइड, आई वॉन्ट मोर ना, सो
So I'm taking mod on both sides. So this is my modulus. Now we know very well triangular inequality is z1 plus z2 less or equal to mod z1 plus mod z2. Okay, this is your triangular inequality. I'm using this. So using that, 1 minus z plus mod z will be greater than mod 1. Mod 1 means 1. Simply, यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर सकती हूँ, मॉड्यूलस ही है, सो यू कैन चेंज द नेगेटिव साइन और यू कैन चेंज द नंबर ऑल्सो. सो दिस इज इट. मिनिमम वैल्यू इज 1. मिनिमम वैल्यू इज 1. ओके, नेक्स्ट वन. इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब सबका एडिशन 0 एंड मल्टीप्लीकेशन 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड दिस 3 ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट. सो आंसर्स आर 0, 1, माइनस 1 एंड 2. सो बहुत इजीली क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हमारे पास दो इक्वेशन हैं यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड इनका एडिशन दैट इज 1. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज अ मैजिक इक्वेशन. क्या इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तीनों का एडिशन 0 एंड मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 1. तीनों का एडिशन 0 एंड मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 1. सो यहाँ पे जो इक्वेशन है ना उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ टू एडजस्ट दिस. 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा है, मैं 3 ओमेगा स्क्वायर लिख लूँ प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस, यहाँ पे भी सेम चेंज, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज लेफ्ट हियर, प्लस 4 ओमेगा क्यूब. क्या किया मैंने, 5 ओमेगा स्क्वायर था तो उसको 3 प्लस 2 लिख लिया, 6 ओमेगा आई कन्वर्ट इन टू 2 प्लस 4, डन. ओके, सो फॉर दिस 3 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. इनों इन तीनों में से यहाँ से 3 इज कॉमन, फ्रॉम हियर इट इज 2 कॉमन, सो this will be going to be 0 plus 2 omega square means 6, 2 raised to 6, omega raised to 12, यहाँ पे भी minus 2, 0 minus 4 raised to 3, omega cube. Okay, so this is 2 raised to 6, omega 12 मतलब multiple of 3, so that will be 1, minus 4 cube है, तो उसको मैं 2 raised to 6 लिख सकती हूँ, 2 square cube. Omega again 1, so देखिए this two are same, so answer is 0. मैं maximum answer तो 0 आ रहा है, no need to do that कि हाँ option देख के ही 0 में tick कर दो, यहाँ पे आपका answer 1 आया है ना, so that will be not apply for all. Okay, चलिए, so यहाँ पे I'm stopping this video with new sums. We can meet after some time. So, तब तक के लिए bye. वंदे मातरम.